नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं संजीव पाठक आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में दल बदल का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता जिसकी पहचान ही पार्टी बन गई हो, यदि वो दल बदलता है तो इस तरह का मामला सबको आश्चर्य में डाल देता है। दरअसल कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज सबको चौंका दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में अपना नामांकन कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सपा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर कपिल सिब्बल ने बताया कि मैंने 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सिब्बल ने कहा कि संसद में एक स्वतंत्र आवाज होना महत्वपूर्ण है। अगर एक स्वतंत्र आवाज बोलती है तो लोग मानेंगे कि यह किसी राजनीतिक दल से नहीं है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और 23 असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 का हिस्सा थे, जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व और संगठन को पूरी तरह से बदलने का आह्वान किया था। जानकारी के मुताबिक वह हाल ही के हफ्तों में गांधी परिवार के नेतृत्व की आलोचना भी खुलकर कर रहे थे और उनके इस्तीफे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कपिल सिब्बल बड़े नेता रहे हैं, इसलिए एक सीट वे राज्यसभा में जाएंगे, इसीलिए एक सीट से वे राज्यसभा में जरूर जाएंगे। वहीं कपिल सिब्बल के अलावा दो अन्य सीटों पर पार्टी ने जावेद अली खान और डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। कपिल सिब्बल का समर्थन करने पर विरोध भी शुरू हो गया है। वरिष्ठ दलित चिंतक और पत्रकार रहे दिलीप मंडल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़कर समाजवादी पार्टी बड़े समूह के लिए पहले से ही भरोसा करने के काबिल नहीं रही है और सपा ने आज तक इस अपराध के लिए माफी तक नहीं मांगी, जिसके कारण लाखों कर्मचारी अपमानित हुए हैं। वहीं अब OBC आरक्षण के मुखर विरोधी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर सपा OBC को भी झटका देगी। फिर सपा के पास मुख्य रूप से बचेंगे सिर्फ 20% मुसलमान। क्या इतने से विपक्ष की राजनीति चल जाएगी, यह देखने की बात होगी। कपिल सिब्बल ने हाल ही में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का प्रतिनिधित्व किया था और आजम खान को 2 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। वहीं अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11 सीटें शामिल होंगी। गौरतलब है कि सपा के पास अब भी राज्यसभा में 2 सीटें बची हैं, जिस पर किसे भेजा जाएगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। बता दें कि डिंपल यादव और जावेद अली खान का नाम इन सीटों के लिए सबसे आगे है। बता दें कि संभवतः कपिल सिब्बल निर्दलीय लड़ रहे हैं और सपा ने उनका समर्थन किया है।